टीवी के सुपरहिट कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ठगी का शिकार हो गई हैं। ऑनलाइन फ्रॉड ने उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया है। शुभांगी ने साइबर अपराध सेल में इसकी शिकायत करवाई है। घटना से परेशान एक्ट्रेस ने मीडिया को भी अपना दर्द बताया है। उन्होंने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर वो कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। एक्ट्रेस ने सैड होकर कहा, भले मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये मेरी मेहनत की कमाई थी। शुभांगी ने मीडिया से कहा कि 8 सितंबर को एक फेमस फैशन एप्लीकेशन से उनके लिए कुछ चीजें ऑर्डर कर रही थी। ऑर्डर करने के बाद उनके पास कंपनी से फोन आया। उन्होंने उनके एड्रेस के बारे में पूछा और ऑर्डर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन शेयर की। कॉल पर उन्होंने ऐसे बात की कि जैसे मैं उनके साथ सालों से शॉपिंग कर रही हूँ, तो ऐसा लगा कि एक रियल कॉल थी क्योंकि उनके पास मेरे सभी डिटेल्स थे जो केवल उसी कंपनी के पास होंगे। पहले दो लड़कियों ने मुझसे बात की और फिर बाद में दो लड़के भी इस कॉल से जुड़ गए थे। इतना ही नहीं, फिर कॉल्स ने कुछ मुफ्त में गिफ्ट करने का ऑफर किया जिसमें अंगूरी भाभी लालच में आ गई। उन्होंने बताया कि वेबसाइट की कॉल्स ने मुझसे कहा कि मैं उनकी प्रीमियम मेंबर हूं, तो वो मुझे गिफ्ट के रूप में एक प्रोडक्ट मुफ्त देना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसी चीजों से बचती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कई कॉल और ऑफर मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा रियल लगा था इसलिए मैं मान गई और आगे बढ़ी। शुभांगी बताती हैं कि उन्होंने कई सारे उन्हें ऑप्शन दिए थे जिनमें से एक प्रोडक्ट को चूज करना था। फिर उन्होंने कहा कि GST पे करिए आप। जब मैंने GST अमाउंट का पेमेंट किया तो कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो गए मेरे अकाउंट से और एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट से निकल गया। वेल, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। टेलीविजन से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।